बच्चों आज हम सीखेंगे हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती में क्या करना होता है, जैसे हमने इंग्लिश, ये सारे आपके इंग्लिश में गिनतियां लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 10। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी हिंदी की गिनती लिखते कैसे हैं और शब्द में कैसे लिखेंगे, संख्या कैसे लिखनी है और शब्द में कैसे। तो एक जो है हिंदी का लिखते हैं, एक सर्कल बना के नीचे लंबी खड़ी लकीर बना देते, तो ये हो गया हिंदी का एक। और इसको शब्द में लिखेंगे छोटी ए और का, कोई मात्रा नहीं है, एक। उसके बाद दो, हिंदी का दो बनाने के लिए ऊपर से तो सेम रहता है बट नीचे हम एक पूंछ बना देते हैं, इसकी नीचे लाकर पूंछ बना देते हैं और दो लिखते सरे शब्द में। और तीन में दो सेमी सर्कल्स बनाएंगे और दो की तरह इसकी भी, इतनी लंबी तो नहीं इतनी, इसकी भी पूंछ बना देते हैं, तो तीन बन गया। तीन लिखते ऐसे हैं तापे बड़ी की मात्रा। चार के लिए हम क्या करते हैं, एस, एस की तरह से शुरू करते हैं बनाना, टेढ़ा एस, देन ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कैसे, इस तरह से चार बनता है हिंदी का। कई बार बना के कोशिश करेंगे इसको बनाने की, तब सीख पाएंगे आप लोग। चार इस तरह से लिखेंगे शब्द में। अब आया पांच, पांच के लिए हम पा बनाएंगे, पा, पा बनाने के बाद नीचे पूंछ बना देंगे, इसकी टेल बना दी और पांच शब्द ऐसे लिखते हैं। फिर से पांच बता देती हूँ एक और बार आपको, पा बना के नीचे पूंछ बना देते हैं तो पांच बन जाता है। अब छह के लिए हम, छह के लिए छा की तरह से स्टार्ट कर, दो दो सेमी सर्कल्स ऐसे बना के इसमें भी नीचे एक पूंछ इस तरफ को जाएगी। ठीक है, एक बार और छह बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, ऐसे छह। और शब्दों में कैसे लिखते हैं, छा बनाने के बाद इसमें आवाज आती है छह, तो अहा वाले दोनों डॉट्स लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, छह छह बोलते हैं इसको, छह। सात, सात के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, इतना बनाने के बाद, ऐसा बनाने के बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, सो इस तरह से सात बनता है। ठीक, आठ, आठ बनाने के लिए चा, चा की तरह से बनता है बिल्कुल आठ ऐसे। ठीक, बस उसमें खड़ी लकीर नहीं खींच रहे हम, इस तरह से आठ बनता है। सात और आठ को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और नौ, नौ के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम आठ बनाएंगे, आठ बना दिया और ऊपर जैसे आधा रा लगाते हैं उस तरह से हम एक आकृति बना देंगे, ये सेमी सर्कल आधा इस तरह से। फिर से देख लीजिए नौ कैसे बनाया है, आड़ी लकीर चा की तरह बनाया आठ और ऊपर ये इससे छोटा होगा, ये ज़्यादा दूर जाता है और ये कम दूर। ठीक, नौ हो गया। दस, दस तो बहुत आसान है, आपने एक तो सीखा ही है, एक के आगे हमें शून्य लगानी है, तो शून्य जो है, जीरो जो है इंग्लिश में तो लिखा जाता है ओवल शेप में और हिंदी में लिखा जाता है सर्कल शेप में। तो पहले हम बनाएंगे एक और उसके आगे बनाएंगे एक सर्कल, तो ये हो गया हिंदी का शून्य, जीरो। ठीक है, ये सारा आप अपनी फेयर नोटबुक में आज की ही डेट में लिखेंगे। बच्चों आपने एक से दस तक की गिनती तो सीख ली है, हिंदी गिनती। तो अब हम आगे का देखते हैं, ग्यारह कैसे लिखते हैं। आपको देखो सारे संख्याएं आ गई लिखनी, अब हमें सेम यही संख्याएं लिखनी, रिपीट करनी है। जैसे कि ग्यारह कैसे लिखा है, दो बार एक बनाया है ग्यारह,
और शब्द में कैसे लिखा है, आधा गा या बड़े अ की मात्रा र ह, ग्यारह। बारह, एक और दो बारह, बारह। तेरह, तेरह में क्या करना है, एक और तीन तेरह, इसको बोलते ऐसे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलते जाना, तेरह तेरह। अब चौदह, चौदह के लिए एक और चार चौदह। चापे औ की मात्रा लगाई है बड़े ओ की, दह, ऐसे ही बोलते हैं इसको, चौदह। इसके बाद है पंद्रह, एक पाँच पंद्रह। पापे अंक की बिंदी द्र ह, पंद्रह, दा में रा लगाया है हमने यहाँ पर। इसके बाद सोलह, एक और छः सोलह, सोलह सोलह, कई लोग बोलते हैं सोलह लेकिन उसमें ह ही लिखते हैं, ठीक है, सोलह। सत्रह, सत्रह में एक और सात लिखा और सत्रह, सबके अंत में ह लिख रहे हैं हम, ये देख लेना, सत्रह। अठारह, एक और आठ अठारह, शब्द में लिखा तो अठारह, ठापे बड़े आ की मात्रा, अठारह। उन्नीस, एक और नौ उन्नीस, छोटा उ आधा ना बड़ा ना पूरा ना बड़ी की मात्रा सा, उन्नीस। बीस, दो और जीरो दो और शून्य बीस, बीस तो लिखना इजी है, बापे बड़ी की मात्रा बीस। इसके बाद आता है इक्कीस, दो और एक इक्कीस, जो आवाज आ रही है आधे का की ना, तो इक्कीस, इसमें आधा का लगा और बड़ी की मात्रा आ गई इक्कीस। बाईस, दो और दो बाईस, बाईस बाईस। तेईस, अब इसमें ज़्यादातर सब में ईस ईस की आवाज़ आएगी, तो दो और तीन तेईस, तापे एक ही मात्रा है छोटी एक ही और बड़ी ई और सा, तेईस। 24, इनको कहते हैं 24, दो और चार 24, चापे औ की मात्रा आएगी, मतलब बड़े ओ की, ये बस याद रखना, एक छोटे ओ की मात्रा होगी तो गलत है, बड़े ओ की मात्रा। और 20, 24। इसके बाद आता है 25, दो और पाँच 25, 25 को इंग्लिश में कहते हैं 25, आधा चा पूरा चा बड़ी की मात्रा सा, 25। इसके बाद आते हैं हम 26 पर, 26 जो है वो 26 कहलाता है, क्या कहलाता है, 26, दो और छः 26, छ आधा बा पूरा बा बड़ी की मात्रा सा, 26। 27 को कहते हैं 27, दो और सात 27, सत्ता सत्ता, देखो अलग से देखो सत्ता और ईस, एंड में लगा दिया ईस, आधा ता पूरा ता, 27। 28 को बोलते हैं 28, दो आठ 28, तो 28 लिखने के लिए देखो ध्यान से, आ आधा टा पूरा ठा बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई सा, पीछे तो ईस लगाना है हमको, इसको आठ को अट्ठा लिखा है बस यहाँ पर, 28। उसके बाद आता है 29, 29, तो 29 को हम क्या करते हैं, बुक वालों ने तो लिखा है 29, 29, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा ना 29, क्योंकि हम बोलते 29 हैं, तो आप दोनों को लिख लेंगे अपनी कॉपी में 29 और 29 दोनों तरह से। इसके बाद आता है 30, 30 को क्या बोलते हैं, 30, 30, 30 लिखना तो आसान है, तो आज हम 30 तक ही सीखेंगे, अगले पीरियड में हम आगे की गिनती सीखेंगे।